कई साल पहले सूरतपुर नाम के गांव में मनीष नाम का जलेबी वाला रहता था। कई पुश्तों से वो जलेबियां बेचा करते थे। मनीष की बनाई हुई जलेबियां सभी लोगों को पसंद थी और इसी कारण लोग भी बड़े मज़े से खाया करते थे। मनीष बहुत ही लालची आदमी था। वो सबको ठगने के बारे में ही सोचा करता था। सबकी नज़र बचाकर वो तराजू के नीचे चुंबक लगा देता था। कुछ लोगों के तो पैसे हेरा फेरी करके, कुछ लोगों के झगड़ा करके उनसे ज़्यादा पैसे वसूल कर लेता था। उसी गांव में एक आराध्या नाम की छोटी बच्ची रहा करती थी। वो बेचारी बहुत गरीब घर की थी। आराध्या दिन भर घर के सारे काम करके उसमें से वक्त निकालकर स्कूल में जरूर जाया करती थी। उसका विश्वास था कि पढ़ाई करके उसका भविष्य जरूर अच्छा होगा। उसके स्कूल में एक रघु नाम का एक नटखट लड़का था। वो हमेशा आराध्या को परेशान करता था और उसे हमेशा रुलाता था। एक दिन आराध्या रास्ते से चल के जा रही थी, तभी रघु पीछे से साइकिल पर आया और जानबूझकर आराध्या से टकराया। आराध्या साइकिल का धक्का लगने की वजह से नीचे सड़क पर गिर गई। तभी रघु ने आराध्या से कहा, क्यों रे आराध्या, बड़ी मैडम की तरह रास्ते के बीचों बीच चल रही है, घंटी बजाने पर भी बाजू नहीं हटती हो, तुम क्या बहरी हो? रघु के ऐसे कहते ही आराध्या बहुत चिढ़ जाती है। आराध्या चिढ़कर रघु से, तुमने बेल कहाँ बजाई थी? झूठ मत बोलो, वैसे भी तुम मुझे हमेशा सताते रहते हो। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं हेडमास्टर जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अरे जा जा, तुम्हें जिसको मेरा नाम बताना है बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल तो मेरे दादाजी ने बनवाया है और तुम्हें पता है मेरे पिताजी कौन है? जाओ तुम हेडमास्टर जी से कंप्लेंट करो। रघु आराध्या को फटकारते हुए वहां से चला जाता है। तभी आराध्या चुपचाप घर चली जाती है। एक दिन आराध्या अपनी माँ से, माँ स्कूल के पास सब लोग कुछ न कुछ खरीद कर खाते हैं, मुझे भी खाने का मन करता है, मगर आपके पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए आपसे मांगने के लिए सोचती हूँ। आराध्या की बातें सुन उसकी माँ सुमति आराध्या से, हे भगवान, मेरी गरीबी के कारण मेरी बच्ची मुझसे कुछ मांगने के लिए भी सोचती है, ऐसी परिस्थिति किसी माँ पर ना आए। ये 10 रुपए लो और इससे तुम्हें जो मन में आए वो खा लेना। ऐसा कहकर सुमति आराध्या को 10 रुपए दे देती है और वहां से चली जाती है। तभी आराध्या 10 रुपए लेकर बाजार में चली जाती है। वहां जाकर आराध्या एक जलेबी के दुकान के पास आती है। जलेबी की खुशबू सूंघ आराध्या वहीं ठहर जाती है। मनीष दुकान पर गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू सूंघ आराध्या के मुंह में पानी आ गया। आराध्या वही खड़ी रह जाती है। तभी मनीष आराध्या से, अरे क्या चाहिए बेटी तुम्हें, गर्मा गर्म जलेबी दूं क्या? आपके जलेबियों की खुशबू बहुत अच्छी है, जलेबियां कैसे दे रहे हो चाचा? तभी मनीष आराध्या से, 1 किलो 240 की, आधा किलो 120 और 1 पाव 60 रुपए की, 10 रुपए की एक जलेबी। जलेबी के भाव देखकर आराध्या मन ही मन, बाप रे, यहाँ तो 10 रुपए की एक ही जलेबी मिल रही है, इस जलेबी से मेरा पेट तो नहीं भरेगा। ऐसा करती हूँ कि ये पैसे लेकर अपने माँ को दे देती हूँ, माँ ने कितनी मेहनत से रुपए कमाए हुए हैं। ऐसा सोचकर आराध्या वहाँ से जाने लगती है। तभी मनीष आराध्या से, बताओ बेटी तुम्हें कितनी जलेबी दूँ? मुझे जलेबी नहीं चाहिए चाचा, मैं तो सिर्फ देखने आई थी। अभी के अभी मुझे 10 रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ बांध कर रखूंगा। उसकी बातें सुन आराध्या बहुत डर जाती है और आराध्या मनीष से, चाचा मैंने आपके दुकान से कुछ भी नहीं लिया और मैं आपको किस चीज के पैसे दे दूं? तुम कब से मेरे दुकान के सामने खड़ी होकर जलेबियों की खुशबू ले रही हो और मुझसे ही कह रही हो? मेरे जलेबियों की खुशबू लेने के भी पैसे लगते हैं, समझी? मैं कहाँ से दूं चाचा, मैं बहुत गरीब हूँ। अरे मुझे उससे क्या मतलब, मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मनीष की बातें सुन आराध्या रोने लगी और मनीष फिर से आराध्या से, अगर पैसे नहीं दे सकती तो यहाँ मेरी जलेबियों की खुशबू सूंघने क्यों आई? चलो निकालो पैसे, मुझे सब पता है तुम गरीबों के नाटक। आराध्या रोने लगती है। तभी उसका दोस्त रघु वहाँ से साइकिल से जा रहा था। वो देखता है कि आराध्या उस दुकान के सामने खड़ी रो रही है। साइकिल एक जगह खड़े करके रघु आराध्या के पास आया
और आराध्या से। अरे आराध्या, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों रो रही हो? आराध्या ने सारी बातें रघु को बताई। तभी रघु आराध्या से, आराध्या, मनीष जी ने कोई गलत बात नहीं कही। ये तो उनकी जलेबियां है, अगर कोई इसका सुगंध लेगा तो पैसे तो भरने ही पड़ेंगे ना। लाओ, तुम्हारे पैसे मुझे दे दो। आराध्या ने रघु को पैसे दे दिए। बेचारे को कुछ समझ ना आने के कारण वो एक ही जगह भूत बनकर खड़ी रह गई। तभी रघु ने वो 10 रुपए के सिक्कों को अपने हाथों के बीचों बीच ले लिया और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगा। उन पैसों में से खन 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 ऐसी आवाजें आने लगी। तब मनीष ने रघु से कहा, मनीष जी, क्या आपको पैसे की आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं कोई बहरा नहीं हूँ। खन खन सिक्कों की आवाज मुझ तक पहुँच रही है। तो आपने पैसों की आवाज तो सुन ली, अब मैंने भी आपको पैसे दे दिए, समझे? क्यों रे बच्चे, ज्यादा नाटक कर रहा है क्या मेरे साथ? कहता है कि पैसों की आवाज सुन लेने से पैसे मिल गए। ज्यादा होशियारी की ना तो तुझे भी दुकान में बांध दूंगा। तभी रघु मनीष से, क्यों, जलेबी के सुगंध के पैसे आप मांग सकते हो, तो मैं क्या आपको पैसों की आवाज भी नहीं सुना सकता? अरे अंकल, तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। जानते हैं मैं कौन हूँ? इस गांव के जमींदार का बेटा हूँ मैं, और ज्यादा होशियारी की ना तो पापा से बोल दूंगा और वो पुलिस से उठवा कर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ऐसा सुनकर मनीष हक्का बक्का रह गया। तभी रघु के साथ आराध्या उसकी साइकिल पर बैठकर चली जाती है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद रघु उसे साइकिल से उतार देता है। तुम तो मुझसे चिढ़ते हो ना, फिर तुमने मेरी सहायता क्यों की? आराध्या, तुम मेरी दोस्त हो, और कोई मेरे दोस्त को रुलाएगा तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। मेरे पिछले बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना आराध्या। कोई बात नहीं, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुमने मेरी कितनी मदद की है, थैंक यू। वो दुकानदार मेरे दोस्त को कुछ भी बोलता रहता और मैं सुनता रहूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। वो बहुत ही लालची है, उसके दुकान पर कभी मत जाना। हाँ, मैं कभी भी उसके दुकान पर नहीं जाऊंगी। फ्रेंड्स, ऐसा कहकर रघु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी आराध्या ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, फ्रेंड्स, ऐसा कहकर दोनों ने हैंडशेक कर लिया और उसी दिन से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। रघु के स्वभाव के कारण उसके दुकान पर कोई नहीं आता था। उसकी जलेबियां स्वादिष्ट तो थी, मगर उसके लालच की वजह से उसका धंधा धीरे धीरे चलना बंद हो गया। मनीष का लालच उसका पुरखों का धंधा ले डूबा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बात होती है। लोगों को ठगना नहीं चाहिए। इन सब से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। लालच बुरी बला होती है। एक सुंदरपुर नाम के गांव में शारदा अपने दोनों बच्चों के साथ रहा करती थी। शारदा का पति गुजर जाने के बाद शारदा ने अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल की थी। शारदा का बड़ा बेटा संजय शहर में नौकरी किया करता था। वो हर महीने पैसे अपनी माँ और बहन को भेजा करता था। रमा कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो बहुत होशियार थी। एक दिन संजय एक लड़की को अपनी माँ से मिलवाने के लिए गांव लेकर आया। माँ, तुम कहाँ हो? अरे संजय, अचानक कैसे आना हुआ? और ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है बेटा? माँ, ये सरला है। मैं और सरला एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक दूसरे को हम बहुत पसंद करते हैं माँ, इसलिए हम जल्द ही शादी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, मुझे ये शादी मंजूर है। ऐसा कहकर संजय और सरला ने शारदा का आशीर्वाद लिया। तभी शारदा सभी के लिए खाना बनाती है और सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी सरला संजय से, संजय, ये क्या खाना है? हमारे घरों में कितना अच्छा खाना होता है। गांव में ऐसा ही खाना बनता है सरला। मुझे तो ऐसा खाना गले के नीचे ही नहीं उतर रहा। तुम खाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। संजय भी थोड़ा बहुत खाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। सरला और संजय उसी दिन शहर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही दिनों में सरला और संजय शादी कर लेते हैं। उनकी शादी में उसकी माँ और बहन भी शामिल होते हैं, मगर सरला को वो गरीब होने के कारण पसंद नहीं आते। थोड़े दिनों बाद शारदा अपनी बेटी रमा के साथ अपने गांव चली आती है। गांव जाते ही शारदा काम करने लग जाती है। तभी गांव का एक आदमी शारदा से, अरे शारदा बहन, अब तो तुम्हारे बेटे की शादी भी हो गई है, बेटा और बहू दोनों भी कमाते हैं, फिर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? भाई साहब, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती
तब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकूंगी। हाँ बहन, हमारी जिम्मेदारियां कभी भी खत्म नहीं होती। ऐसा कहकर हरिया वहां से चला जाता है। अब शारदा लोगों के यहाँ मजदूरी करके कुछ पैसे रमा की शादी के लिए जमा कर रही थी। ऐसे में ही एक दिन शारदा को बहुत तेज बुखार आता है। शारदा का बुखार इतना होता है कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। अस्पताल में भर्ती करवाने की वजह से अस्पताल का बिल बहुत आया। ये देख रमा बहुत चिंता में पड़ जाती है। तभी रमा संजय को फोन करती है तो सरला फोन उठाती है। हेलो भैया, मैं रमा बोल रही हूँ। मैं सरला बोल रही हूँ रमा, कहो कैसे फोन किया था? भाभी, माँ को बहुत तेज बुखार है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। अगर आप भैया को बताएगी तो वो मेरी कुछ मदद कर देंगे। यहाँ तुम्हें क्या धर्मशाला दिखाई दे रही है क्या? जब चाहा तब फोन करके पैसे मांग रही हो? मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था भाभी। मुझे सब पता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। आइंदा से यहाँ फोन मत करना। ठीक है भाभी। ऐसा कहकर सरला फोन रख देती है और रमा को मन ही मन बहुत कोसती है। इधर रमा अपने माँ का इलाज उसके जमा किए हुए पैसों से करती है। अब कुछ दिनों बाद शारदा ठीक होकर घर वापस आ जाती है। तब उन दोनों के पास थोड़े पैसे थे, उसमें से रमा ने घर का थोड़ा सामान लाया और खाना बनाने लगी। तभी रमा खुद ही मन में, अब माँ ने और काम किया तो माँ और बीमार पड़ सकती है, अब मुझे ही कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रमा कुछ करने का सोचती है। तभी उसकी सहेली शमा वहाँ आ जाती है। शमा रमा से, रमा इतना क्या सोच रही हो कि मैं घर में आई और तुम्हें पता भी नहीं चला? मुझे कुछ काम करना है शमा, माँ से अब काम नहीं होगा और मैं उन्हें कुछ करने भी नहीं दूंगी। रमा, तुम रोटियाँ कितनी अच्छी बनाती हो, क्यों ना तुम रोटियाँ बनाकर बेचो? हाँ शमा, तुम सच कह रही हो, मैं रोटियाँ बनाकर बेचूंगी तो मुझे अच्छे दाम मिलेंगे। रमा अगले दिन बाजार में गर्मा गर्म रोटी बनाकर बेचने लगती है। कुछ लोग रोटियों की खुशबू सूंघ वहाँ आते हैं। तभी रमा लोगों से, आओ आओ गर्मा गर्म रोटी ले लो, गर्म और ताजी रोटी ले लो। रमा ऐसे कह रही थी तभी रमा के पास उसकी दोस्त सोनाली आ जाती है। सोनाली रमा से, रमा तुम ऐसे रोटियां बनाकर बेच क्यों रही हो? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज से मैं ये काम करूंगी, रोटियां बनाकर बेचूंगी। ये अच्छा विचार है रमा, मुझे दो रोटियां दे दो। हाँ अभी देती हूँ। ऐसा कहकर रमा सोनाली को दो रोटियां देती है। सोनाली रमा को 15 रुपए दे देती है। उसकी रोटी की खुशबू सूंघ बहुत से लोग उसके दुकान पर आते हैं और रोटी खरीदना शुरू करते हैं। रमा की रोटियां इतनी मुलायम होती है कि लोग उसकी रोटियां खरीद लेते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब रमा बहुत मेहनत करके रोटियां बनाती और बाजार में बेचा करती थी। एक दिन बड़े होटल का मालिक रमा के पास आकर, क्या आप ही हो रोटी बनाने वाली रमा? हाँ मैं ही हूँ रमा, कहिए क्या काम था? जी मेरा होटल है, मैं आपको रोटियों की ऑर्डर देने आया हूँ, क्या आप मेरा ऑर्डर पूरा करके देगी? कितनी रोटियाँ चाहिए आपको हर रोज के लिए? मुझे 100 रोटियाँ सुबह और 100 रोटियाँ शाम को चाहिए, क्या आप ये ऑर्डर दे पाएंगी? हाँ मैं सुबह और शाम रोटियाँ आपको पहुँचा दूंगी, आप मुझे आपका होटल का पता दे दीजिए। ये लीजिए मेरा कार्ड, कल से आप रोटियां लेकर आना। ठीक है साहब, धन्यवाद। ऐसा कहकर होटल मालिक वहां से चला जाता है। रमा घर जाते ही ये खुशखबरी अपने माँ को सुनाती है। माँ, मुझे आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, एक होटल मालिक ने मुझे रोटियां बनाने की ऑर्डर दी है, आज मैं बहुत खुश हूँ। सच में रमा, ये तो बड़ी खुशखबरी है, मैं बहुत खुश हूँ। माँ मैं जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ, मुझे सुबह और शाम रोटियां भी बनानी है। हाँ रमा चलो, मैं भी तुम्हें मदद कर देती हूँ। ऐसा कहकर शारदा रमा के साथ सब काम जल्दी जल्दी खत्म कर डालती है। अगले दिन रमा जल्दी उठकर 100 रोटियां बनाती है और होटल में जाकर डिलीवरी देकर आती है। उसकी रोटियां खाकर ग्राहक बड़े खुश होते हैं। तब से रमा की रोटियां बहुत अच्छी तरह से बेची जाने लगी थी। अब रमा को एक होटल के साथ साथ बहुत सारे ऑर्डर आने लगे थे। रमा खुद का काम बहुत अच्छी तरह से करने लगी थी। उसका काम देखकर ग्राहक बहुत खुश थे। अब रमा की आर्थिक परिस्थिति भी बहुत अच्छी हो गई थी। रमा ने अपने साथ गांव की कुछ औरतों को काम में शामिल कर लिया था और उनके साथ काम करके अपनी डिलीवरी पूरी किया करती थी। रमा की रोटियां अब बहुत फेमस बन गई थी।
उसकी वजह से रमा ने उसका बिजनेस ऑनलाइन भी कर दिया था। रमा को अब काम से बहुत पैसे मिल रहे थे। अब रमा ने घर के साथ साथ लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी थी, लोगों को रोजगार दिलवाया था। उसके नाम के चर्चे अब गांव-गांव में जाने लगे थे। एक दिन रमा का भाई संजय को ये सारी बातें पता चलती है। वो रमा और अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से, माँ मुझे रमा की तरक्की देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ संजय, मेरी रमा ने अपना फर्ज तो निभाया, साथ में खुद भी अपने पैरों पर खड़ी रही है। हाँ माँ, उसने खुद से ही सब किया है। तुम तो तुम्हारी जिम्मेदारियां भूल गए थे संजय, मगर मेरी रमा अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूली। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम किस लिए आए हो यहाँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस तुम मुझे माफ कर दो, मैं मेरी गलतियां सुधारना चाहता हूँ। तुम्हें माफी मांगनी है तो मेरी नहीं, अपनी बहन की मांगो। ऐसा कहकर शारदा वहां से चली जाती है। संजय रमा के पास आकर, रमा मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया मुझे जब जरूरत थी तब आप मेरे काम नहीं आए, आज मेरी परिस्थिति अच्छी देखी तो आपको आपकी गलती का एहसास हुआ। रमा मुझे सच में माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है भैया, मैंने आपको माफ कर दिया, आज से आप माँ का दिल कभी नहीं दुखाओगे। हाँ रमा, हम दोनों माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। रमा तुमने मुझे माफ तो किया ना? हाँ भैया। ऐसा कहकर संजय और रमा गले लग जाते हैं। ये सब देख शारदा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब रमा का बिजनेस भी अच्छी तरह से चलने लगा था। रमा अपने काम के दम पर करोड़पति बन गई थी और उसकी तरक्की देख गाँव की लड़कियाँ प्रेरित हो रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम को लगन से करना चाहिए। मेहनत करने वाला हमेशा सफल होता है, इसीलिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए। एक बार की बात है, दूर एक गांव में रोहन नाम का एक अनाथ लड़का रहा करता था। रोहन का कोई घर ना होने के कारण वो दिन भर मजदूरी का काम करता और रात के समय पेड़ के नीचे सो जाता था। उसे देख कर गाँव के लोग तरह तरह की बातें करते थे, कुछ लोगों को उसकी दया भी आती थी। पता नहीं इस बेचारे का क्या होगा, बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है और क्या पता इसकी जिंदगी में कभी शादी होगी भी या नहीं। लोगों के ताने सुन अब रोहन ने ठान लिया था कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करके सबकी बोलती बंद कर देगा। अब धीरे धीरे उसने अपने पास कुछ पैसे जमा कर लिए और एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। अब रोहन वहाँ समोसे बनाकर ट्रेन के यात्रियों को बेचा करता था। एक दिन वो ट्रेन में समोसे बेच रहा था। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। रोहन एक यात्री के पास जाकर, सर समोसे ले लो, गर्मा गर्म है सर। तभी वो यात्री रोहन से, बेटे मेरे पास मेरा सैंडविच है। ऐसा कहकर उस आदमी ने टिफिन में से सैंडविच निकाला। उसे देख कर रोहन ने उस आदमी से पूछा, ये क्या है सर? तभी वो यात्री रोहन से, ये सैंडविच है बेटा, क्या तुम खाना चाहोगे? नहीं नहीं सर, ये आपका है। उस आदमी ने रोहन के हाथ में सैंडविच दिया। रोहन ने संकोच के साथ सैंडविच खाया। सैंडविच बहुत ही टेस्टी था। वो सैंडविच की टेस्ट देखकर रोहन उस आदमी से, सर ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या आप मुझे बता सकते हो ये कैसे बनाते है? उस आदमी ने रोहन की रिक्वेस्ट को मानकर उसे 2-3 सैंडविच के प्रकार बताए और उसे कैसे बनाते है उसकी सारी जानकारी भी बताई। वो आदमी रोहन को 1 घंटे तक विविध प्रकार के सैंडविच के नाम बताता रहा। रोहन भी बड़ा मन लगाकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। सब समझकर रोहन ने उसका धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। रोहन अपने गांव में फिर से लौट आया और उसने लोगों से कुछ पैसे उधार में मांगे तो लोगों ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर रोहन ने अपने पास के कुछ पैसों से बीच बाजार में सैंडविच का एक ठेला लगाया। शुरुआत में गांव के लोग रोहन से, अरे भाई ये क्या है, हम सब तो ऐसा कुछ नहीं खाते। 2 दिन बाद 2 बच्चे उसके ठेले पर आए और रोहन से, भैया भैया हमें सैंडविच चाहिए। रोहन ने बच्चों को ताजी सब्जियों से अच्छा सैंडविच बनाकर दिया और बच्चों ने जब वो सैंडविच खाया तो उन्हें सैंडविच बहुत पसंद आया। तभी बच्चे रोहन से, भैया ये सैंडविच तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हें पसंद आया? हाँ भैया,
हमें सैंडविच बहुत पसंद आया। बच्चों ने घर जाकर अपने माँ पिताजी को बताया। उस दिन से रोहन के दुकान पर सैंडविच खाने के लिए भीड़ जमा होने लगी। अब रोहन ने अलग अलग प्रकार के सैंडविच बनाना शुरू कर दिया और वो सैंडविच भी लोगों को बहुत पसंद आते थे। लोग बड़े चाव से सैंडविच खाया करते थे। जिन औरतों से सुबह टिफिन नहीं बन पाता था, अब वो बच्चों को टिफिन में सैंडविच खरीद कर देने लगी थी। सैंडविच सब्जियों से बने होने के कारण सेहतमंद थे। बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक रोहन का सैंडविच सबको बहुत पसंद था। कुछ ही दिनों में रोहन की अच्छी कमाई होने लगी। तभी रोहन ने गांव के जरूरतमंद युवकों को ट्रेनिंग देकर उन्हें सैंडविच बनाना सिखाया और उन्हें तनख्वाह देकर आसपास के गांव में ठेले लगवा दिए। इससे उसका सैंडविच बहुत फेमस हुआ। कुछ ही सालों में रोहन ने अपना अच्छा बड़ा घर बनवाया और शादी भी की। वो अब बहुत ही खुश था। उसे देखकर गांव वाले भी बहुत खुश हुआ करते थे। मगर रोहन को हमेशा एक चीज महसूस हुआ करती थी। एक दिन रोहन खुद से, मुझे जिस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया उस व्यक्ति का मुझे नाम तक नहीं पता। मुझे तो वो कहाँ रहते हैं ये भी नहीं पता। ये बात उसे हमेशा मन ही मन खाए जा रही थी। एक दिन रोहन शहर गया हुआ था। घर लौटते समय उसे रास्ते पर कार का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दिया। एक आदमी सड़क पर जख्मी अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। उसके पास जाकर रोहन, आपको ज्यादा लगा तो नहीं है ना? उस आदमी का चेहरा देख रोहन ने उसे तुरंत ही पहचान लिया। वो वही आदमी था जिसे रोहन ढूंढ रहा था। उसे उठाकर रोहन तुरंत ही अस्पताल में लेकर गया। अस्पताल में जाकर उसका सारा इलाज रोहन ने किया और उसे होश आते ही रोहन उस आदमी से, सर अब आपको कैसा लग रहा है? धन्यवाद बेटे, आज तुमने मेरी जान बचाई। नहीं सर, धन्यवाद तो मुझे आपसे कहना था। आपने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी सर। सर आपका नाम क्या है? बेटे मेरा नाम नरेंद्र है। और मैंने कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल दी बेटा? रोहन ने नरेंद्र जी को सारी आपबीती सुनाई। नरेंद्र जी भी रोहन की कामयाबी पर बहुत खुश हुए। रोहन बड़ा खुश था कि उसने नरेंद्र जी की मदद की थी। अब नरेंद्र जी भी कभी कभी अपने पूरे परिवार के साथ रोहन के हाथ का सैंडविच खाने के लिए आ जाया करते थे। रोहन को हमेशा मन में जो कमी लगती थी वो अब पूरी हो गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सहायता सिर्फ वस्तु या पैसों से ही नहीं होती। अगर अपना ज्ञान बांटकर किसी की सहायता की तो वो भी बड़े काम आ जाती है।